लालची खान मालिकों की खराब नीयत की वजह से सैकड़ों मजदूर पहले सिल्कोसिस नाम की घातक बीमारी का शिकार बनते हैं और फिर तड़पते हुए अपनी जिंदगी तोड़ देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा सिल्कोसिस बीमारी से पीड़ित मरीज करौली में है। इस संख्या को कम करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि खनन क्षेत्रों में वेट ड्रिलिंग हो जिससे धूल न उड़े, साथ ही मजदूरों को मास्क, छाया, पानी, चिकित्सा और जांच के प्रबंध हो। लेकिन ना तो खनन मालिक इस आदेशों को मान रहे हैं और न ही सरकारी कारिंदे मजदूरों की परवाह करते हैं। कैसी बीमारी रहती है? सी जुकाम सिल्कोसिस की सी साहब, ऐसी दस्त उड़ती है, बस उड़ती है, धूप में काम करते हैं साहब, डंडों से सूखी चलती है। कभी अभी मास्क देने आया कोई यहाँ? नहीं आया सर। और हमको ये बस से हमको सुलूकोस पर आई सांस सी लेनी पड़ रही है और बिल्कुल सूखे गोल होल लगाने पड़ते हैं। और हमारे गांव में इतने लोग बीमार हैं इससे बहुत ज्यादा। करौली में करीब 135 लीज होल्डर हैं जहां करीब 25,000 मजदूर काम करते हैं। सरकार ने कुछ दिन पहले सिल्कोसिस के शिकार मजदूरों का इलाज भी करवाया और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया। सिल्कोसिस बीमारी से पीड़ित मजदूरों को 1,00,000 रुपए और मौत होने पर 3,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन ऐसे मजदूरों की पहचान बेहद कम हो पाती है क्योंकि प्रशासन ऐसे मजदूरों की पहचान करवाना ही नहीं चाहता। खान करते हैं साहब, खान करते करते बीमार है गए, कोई धंधा है नहीं हमारे पास, बीमार डरे ठेकेदार के खान करते हैं, ठेकेदार कोई दे मदद कोई करे नहीं, इन पे काम कर दो, खान करते करते बीमारी है गई, सिल्कोसिस की सरकारी कोई मदद मिली नहीं, घर बैठे बैठे परेशान है। जिले में 5,642 सिल्कोसिस पीड़ित मरीज हैं, सिर्फ 1,683 को ही प्रमाण पत्र दिए गए, सिर्फ 700 मरीजों को ही 1,00,000 का मुआवजा मिला, सिर्फ 150 मृतकों के परिवारों को ही 3,00,000 रुपए का मुआवजा मिला, बाकी सैकड़ों मजदूर सहायता के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। आरा रामपुरा गांव में सिल्कोसिस से इतनी मौतें हुई कि इस गांव को विधवाओं का ही गांव कहा जाने लगा। विभाग जब मौके पर पहुंचते हैं उस समय मास्क लगा लेते हैं और उसके उपरांत वो अपनी हैबिट में उसको लगातार नहीं लगाते हैं। इसके लिए हमारे द्वारा उनको जागरूक किया जा रहा है, किंतु इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो है अपने चिकित्सा के लोग, जो लोग इसमें जागरूक कर रहे हैं। खान विभागों ने मजदूरों के लिए 1,800 मास्क पहुंचाए, लेकिन वो मास्क मजदूरों तक पहुंच ही नहीं पाए। सिल्कोसिस मरीजों की ना तो पहचान की जाती है और ना ही इलाज की सही व्यवस्था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोटी कमाई करने वाले ऐसे लापरवाह खान मालिकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। करौली से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।